Welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 5. Chapter 5 में हमने monarchy का रूल वहाँ जन पर that were ruled by the monarchy or the king were well known the monarchies. जो महाजन पर रूल करते थे उन्हें monarchies कहा जाता था. And here the king was द अल्टीमेट पावर, जिस जो राजा होता था उसके पास ही सबसे ज़्यादा पावर होता था. हिज किंगशिप वाज़ द हेरिडिटरी, और उसकी जो किंगशिप थी वो अनुवंशिक होती थी. मतलब किंग सन वाज़ ऑलवेज द किंग, जो राजा रहता था उसका बेटा हमेशा राजा बनेगा. आफ्टर द फादर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज मगध वास्ता कौसला एंड अवंती वाज़ द मोनार्ची महाजन पर. ये जो थी महाराजी महाजन पर बनी हुई थी. इसकी लाइफ ऑफ द पीपल इन द जनपद, जनपद के जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकैव्ड मेनी साइट्स रिलेटेड टू द महाराजा. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो जनपद से रिलेटेड चीज़ें खोजी, जैसे पूर्ण किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर द मेरठ इन द यूपी, एंड अतरंज खेरा नियर द इन द यूपी एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल फाइंड दे हैव कम टू द फॉलोइंग कंक्लूजन. हैबिटेट पीपल लिव इन द हट इन द स्मॉल हाउस. जो लोग थे वो झोपड़ी में छोटे घर में रहते थे. फार्मिंग द पीपल ग्रू मेनी क्रॉप फार्मर वीट वर्ली राइस पल्सेस मस्टर्ड शुगर कैन एंड द सीसम. वहाँ के लोग जो थे वो गेहूँ वाली राइस दाल और सरसों गन्ना और सीसम उगाया करते थे. एंड द हर्डिंग द पीपल कीप्ड कैटल एज वेल एज द अदर एनिमल. जो पालतू जानवर थे उनको रखते थे, कुछ अदर जानवर हो गए थे. गिफ्ट में द पीपल हैड टू पे द कुछ गिफ्ट टू द राजा, राजा को गिफ्ट देना पड़ता था. आर्ट एंड क्राफ्ट दे मेड द अर्थ एंड वॉट, दिए बनाते थे स्पेशली इन द ग्रे एंड द रेड कलर. ग्रे और रेड कलर के नाम से वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द पोट्री पेंटिंग ग्रे वेयर्स हैज बीन फाउंड इन दीज साइट्स एंड दीज वॉट हैव द पेंटेड डिजाइन यूजली सिंपल इन द ज्योमेट्रिकल पैटर्न. सिंपल ज्योमेट्रिकल पैटर्न में डिजाइन बनाते थे. फीचर्स ऑफ महाजनपद, महाजनपद के फीचर. सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द महाजनपद वर एज फॉलोइंग. कैपिटल सिटी द मोस्ट महाजनपद है कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी होती थी फोर्ट. मैनी ऑफ दिस कैपिटल्स सिटीज आर फोर्टिफाइड. दिस मीन्स द सिटीज वर सराउंडेड बाय द ह्यूज वॉल्स एंड वुड ब्रिक एंड स्टोन. एंड द बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ द planning enormous labor and wealth. Taxes his state activities in the Mahajanpad were the increases. मतलब taxes में बढ़ गया था. Build a huge fort of the maintain big armies and the Raja needed more the resources. Raja को बहुत ज़्यादा चीज़ जरूरत पड़ गई थी. एंड दे ऑल्सो हैड द अपॉइंट ऑफिशियल टू द कलेक्ट रिसोर्सेज. और उसे कलेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ने लगी थी. सो दे स्टार्टेड द कलेक्टिंग रेगुलेटिंग टैक्स. इसलिए वो टैक्सेस से वो कलेक्ट करने लगे थे. डिफरेंट वे फ्रॉम द डिफरेंट पीपल पीपल. अलग लोगों से अलग तरह का टैक्सेस लिया जाता था. जैसे टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर, किसानों से. दे हैड टू पे द 1/6 ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस. देर वॉज नोन एज द फार्मर्स और द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल टैक्स अमाउंट. ये टोटल टैक्स अमाउंट का पोर्शन था. बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल वॉज द फार्मर्स और पीपल जो थे किसान थे. टैक्स फ्रॉम द हर्डर्स एंड दे हैड टू द पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ द एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट. या तो वो जानवर को देंगे या जानवरों के प्रोडक्ट को देंगे, उनसे मिलने वाले जीव देंगे. टैक्स फ्रॉम द ट्रेडर दे वर इम्पोर्ट फ्रॉम द गुड एंड बॉट एंड सोल्ड टू द ट्रेड. अपने ट्रेड के थ्रू टैक्स देंगे. टैक्स फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन दे वर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स फ्रॉम द लेबर. अपने लेबर देंगे. फॉर एग्जाम्पल लेबर्स वुड हैव टू द वर्क डे एंड मंथ इन द किंग. अगर जैसे राजा के यहाँ पर उसको काम करना पड़ेगा टैक्स के तौर पर. टैक्स फ्रॉम द हंटर्स एंड द गैदरर्स दे हैव टू पे पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द किंग एज अ टैक्स. उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस
जो जंगल से मिलता था वो उसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, ऐसे ना। थैंक यू सो मच।